From the consecration of the Ram Temple to PM Modi's roadshow today, Ayodhya has witnessed massive footfall of devotees. This boost in tourism is helped by infrastructure boost in the temple town, from a newly built airport, railway station and bus depot to the beautification of various tourist sites. Ayodhya has emerged as the world's most popular tourist destination, surpassing even Mecca and the Vatican City. As the PM's roadshow in Ayodhya brings back the focus on the temple town, let's take a deep dive into what all has changed in Ayodhya since the return of Lord Ram in January. Kanika Katyar is joining us live from Ayodhya. Kanika, how much has Ayodhya transformed since the last few months? देखिए बिल्कुल उदय, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात की तो बिल्कुल अयोध्या के अगर अयोध्या की इस वक्त की तस्वीरें देखी तो अयोध्या में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन जो है देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो अयोध्या में जब से राम टेम्पल बना है तब से एक अलग डेवलपमेंट है। और क्योंकि मैं इस वक्त अयोध्या जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर हूँ, उस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी उदय साफ तौर पर और अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो है अयोध्या में कितना चेंज आया है। एक डेवलपमेंट के अगर अनुसार बात करें तो रेलवे स्टेशन में जो है कितना चेंज आया है और खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब अयोध्या जो है मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केवल राम मंदिर ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, तमाम ऐसी चीज़ें जहां से लोग ट्रैवल करते हैं वहां पर जो है गवर्नमेंट ने अयोध्या में एक अलग सा डेवलपमेंट किया है। मैं आपको ये न्यू वाला रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये वो तस्वीर है जो 22 जनवरी के बाद जब राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन का भी डेवलपमेंट किया गया है। ये जो है ये नया रेलवे स्टेशन बना है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नया बना है। और मैं आपको बोलूंगी कैमरा पर्सन को आगे जाकर दिखाएं कि किस तरह से देखिए जो पुराना रेलवे स्टेशन है था उसकी तस्वीरें बहुत डिफरेंट थी और जो नया रेलवे स्टेशन है उसकी तस्वीरें बहुत डिफरेंट है। जो यहाँ पर लोग आते हैं उनके लिए तमाम जो अरेंजमेंट होते हैं उनकी सारी व्यवस्थाएँ भी की गई हैं। और यहाँ से ही लगभग 6 किलोमीटर दूर फैजाबाद में अयोध्या को एक एयरपोर्ट भी मिला है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो अभी तक केवल लखनऊ एयरपोर्ट था जहाँ पे टूरिज्म का एक कनेक्टिविटी थी जहाँ से लोग ट्रैवल कर पाते थे, लेकिन अब राम मंदिर के बाद जो है अयोध्या को केवल मंदिर ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट मिला, नए नए रेलवे स्टेशन मिले हैं, नए नए बस स्टैंड मिले हैं। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मंदिर के आसपास तमाम नई दुकानें खुली हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला है। और ये बात हम नहीं बता रहे हैं, ये यहाँ के लोग बता रहे हैं। जब सुबह से हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर देख रहे हैं तो उन तस्वीरों के सामने साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कितना चेंज आया है। तो बिल्कुल राम टेम्पल के बनने के बाद से लगातार जो है अयोध्या जो है एक अलग नगरी के तौर पर दिख रही है। जो पिक्चर अब अयोध्या की है वो कहीं ना कहीं एक विकसित और एक डेवलपमेंट अयोध्या जो है देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल कनिका, अब आप इस वक्त मौजूद हैं जैसे आप बता रहे थे वहां के रेलवे स्टेशन पे, जरा रेलवे स्टेशन पे चलिए, कुछ लोग से बात करिए, अपने कैमरामैन को बोलिए कि थोड़ा वो पैन करके दिखाएं कि वहाँ वहाँ क्या बदलाव हुआ है, क्या नई ट्रेनें जुड़ी हैं, कितनी अब सुविधा अच्छी हुई है लोगों के लिए, यात्रियों के लिए अयोध्या आने में। देखिए बिल्कुल यहाँ पे कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं, मैं इनसे ही बातचीत करूँगी कि आखिरकार अयोध्या की आप तस्वीर जो है वो कितनी बदली है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मलय कुमार दास है। ओके सर, आप ट्रेन के थ्रू यहाँ पे आए हैं अयोध्या? मैं असम से गुवाहाटी से हूँ। आप असम से आए हैं सर, आपको यहाँ पे क्या चेंज दिख रहा है? आप पहली बार आए हैं अयोध्या? मैं फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, रेलवे स्टेशन, एक तो ये पुराना रेलवे स्टेशन है एक ही नया है, आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो मतलब पहले से तो बहुत अच्छा कर दिया जोगीराज में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। राम टेम्पल गए थे, राम मंदिर गए थे, दर्शन अभी तक नहीं किया। हमारा दो बंदा भी आने वाला है, हाँ। उसका साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हाँ। ट्रेन से आ रहा है वो लोग आसान। कितने लोग आए हैं वहाँ से? हम लोग यहाँ से 10 से 12 आदमी आया है। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है अयोध्या में आने के बाद? आपको लग रहा है कि अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ है, कोई चेंज आया है? मैं तो पहली बार आया हूँ, आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देश में बाकी जगहों पे भी घूमते होंगे, बाकी टेम्पल्स भी गए होंगे, यहाँ पे आने में क्या डिफरेंस आपको फील हो? बहुत ही अच्छा लगा, इसे बहुत बंदा मतलब कि इंडिया के बहुत जगह से आदमी लोग इधर में आ रहा है, भेंट हो रहा है, हाँ। सब राम के नर आज तो मोदी जी का। कुछ और लोग भी हैं उदय, कुछ महिलाएं भी, इनसे बात करते हैं। मैम आप फर्स्ट टाइम अयोध्या आई हैं आज? हाँ। ओके, आप बाय ट्रेन आई हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छे फैसिलिटीज़ की बात करें तो मैम कितना चेंज आपको दिख रहा है? यहाँ तो बहुत चेंज लग रहा है, इससे पहले आए थे तो स्टेशन में ज़्यादा कोई आदमी भी नहीं था,
और दो चार मतलब पानी का व्यवस्था भी ठीक से नहीं था, कोई उतरता भी नहीं था। अभी इतना आदमी है जो तो कैसे महसूस कर रही है आप अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन किए आप? हाँ दर्शन किए। दर्शन हुए आपको? बहुत अच्छा। अच्छा आप कहाँ से आई हैं मैम? वेस्ट बंगाल से आई हैं। हाँ। मैम इंडिया में और भी टूरिज्म प्लेस है, आप गई होंगी वहाँ पर और हाँ, भी टेम्पल्स आप विजिट किया होगा, आपको क्या डिफरेंस लगा अयोध्या आकर और वहाँ जाकर? यहाँ प्लेस बहुत मतलब बड़ा प्लेस है, मंदिर बहुत बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा प्लेस हम नहीं देखे कहीं। नहीं देखे सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आपको लग रहा है कि अयोध्या जो है अब चेंज हो गया है, अयोध्या में विकास हुआ है? हाँ मैम ज़रूर, बहुत अच्छा लग रहा है और विकास तो बहुत अच्छे से हो रहा है और डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगा। हाँ उम्मीद है इस बात की? जरूर जरूर। जिस तरह से अयोध्या में रेलवे स्टेशन आए हैं, एयरपोर्ट बनाए, आपको लग रहा है कि टूरिज़्म जो है अब अयोध्या में और बढ़ेगा जो अब तक बढ़ता आया है? हाँ जरूर होगा, क्योंकि टूरिज्म आदमी जितना फैसिलिटी मिलेगा उतना भक्त तो यहाँ पर आए जरूर आएगा, तो हम भी दोबारा फिर आएंगे। ठीक है मिसा, एक और आप यहीं के लोकल हैं? नहीं मैं बक्सर से आया हूँ। बक्सर और... से आए हैं आप? दर्शन करने आप दर्शन किया आपने? हाँ दर्शन किए हम। अच्छा, कितना डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या में? हम तो पहले कभी आया नहीं था, लेकिन हम यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत बहुत सुंदर, मतलब यहाँ तो लग रहा है कि मतलब सचमुच मतलब जैसे द्वापर सॉरी त्रेता में जैसे राम राज था, वैसे ही यहाँ का लोग और वातावरण सब साफ सफाई, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत बहुत बढ़िया है। साफ तौर पे जब हम लोगों से बात करिए तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि कई लोग जो है वो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, बट फर्स्ट टाइम आने के बाद भी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और ये केवल इन्हीं लोगों की बात नहीं है उदय, हमने कई और लोगों से बात की जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनका भी ये कहना है कि जब से राम मंदिर का यहाँ बना है तब से काफ़ी परिवर्तन आया है, और बल्कि बिल्कुल इस बात की बात कर सकते हैं, क्योंकि जब पहले हम भी यहाँ आया करते थे तो काफ़ी सुविधाएँ नहीं थी, हालाँकि रोड बहुत पतले थे, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, लोगों को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम थी, रोज़गार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन राम मंदिर के बनने के बाद से तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लोगों की फैसिलिटीज़ की बात करें, इन तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पर देखा गया है। और तस्वीर में दिखाना चाहूँगी अगेन आपको उदय कि देखिए किस तरह से जो है रेलवे स्टेशन बनाया गया है, भव्य रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा तमाम जो बस स्टैंड है उनका निजीकरण किया गया, यानी कि उनको भी जो है डेवलप किया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो अयोध्या है उसकी तस्वीर जो है वो अपने आप में अलग है, और लोगों का ये दावा भी है कि जब वो यहाँ आ रहे हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश वो है जो फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल कनिका, और शायद ये चेंज जो है, ये बदलाव जो है, ये रेल तक ही नहीं सीमित है। आप इस वक्त रेल जंक्शन पर मौजूद हैं, मगर एयरपोर्ट भी बदला है, नया एयरपोर्ट वहाँ आया है, बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है, नए हाईवेज भी वहाँ आए हैं, तो यात्री जो भी माध्यम से वहाँ पहुँचे, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, या चाहे वो गाड़ी या बस हो, उनके लिए नई सुविधाएं देखने को मिली हैं पिछले कुछ हफ्ते और महीनों में। देखिए बिल्कुल उदय, इस बात का बार बार हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगे कि जब पहले लोग आया करते थे दिल्ली या कहीं के देश के किसी भी कोने से, तो लोगों को अधिकतर जो है ट्रेन से आना पड़ता था, हेलीकॉप्टर से या प्लेन से लोग नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था। एक लखनऊ एक ऐसा एयरपोर्ट था जहाँ पे अधिकतर लोग आते थे, वहाँ से बाय रोड जो है लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुँचते थे। और मैं आपको बताऊँगी जब अयोध्या मंदिर जहाँ पे मंदिर था, जहाँ पे रामलला विराजमान थे, वहाँ पे हनुमानगढ़ी से लेकर वहाँ तक का रास्ता बहुत पतला रास्ता था, जहां पर केवल लोग जा सकते थे, गाड़ियां या कोई व्हीकल जा सकता था, लेकिन अब उन रोड को चौड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट दे दिया गया है अयोध्या में, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों की बात करें जो लोग यहां पर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं देश के किसी भी कोने से और या विदेश से, उन लोगों के लिए अब सहूलियत जो है बढ़ गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए ये पुराना रेलवे स्टेशन है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, ये था वो रेलवे स्टेशन जो अब तक लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों ने बताया कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी, चाहे वो खान पान की व्यवस्था हो, लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, और अधिकतर ट्रेन भी नहीं आया करती थी इस रेलवे स्टेशन के लिए। लेकिन जब से नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जो ये बना है, यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्थाएँ बढ़ गई हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, प्रॉपर लोगों के पास बैठने के लिए अरेंजमेंट है, अंदर वेटिंग हॉल बनाया गया है, इसके अलावा खान पान की प्रॉपर व्यवस्था जो है अंदर की गई है, बड़े बड़े स्टॉल्स हैं वो अंदर
देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सड़कों की बात करें तो ये वही सड़क है जब यहाँ से लोग निकला करते थे तो यहाँ पे गड्ढे हुआ करते थे, यानी कि यहाँ तक ऑटो वाले या रिक्शे वाले यहाँ आया करते थे। लेकिन अब जब नया रेलवे स्टेशन बनाया गया तो इस सड़क को चौड़ा कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, लोग जो है वहाँ से वॉक करते यहाँ आते हैं, बाहर आकर लोगों को जो है तमाम ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा या जो भी इनको चाहिए होता है वो मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल अयोध्या ने अपने आप में एक नया तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, और देश के तमाम इलाकों से, कोने कोने से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो यही फीडबैक शेयर कर रहे हैं कि अब अयोध्या जो है बदल गया है। केवल राम मंदिर ही नहीं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क, यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके रोज़गार के माध्यम, इन तमाम चीज़ों में जो है परिवर्तन देखा गया है। और ये तो अब शुरुआत है, ये कहा जा रहा है आगे आगे अयोध्या में और भी डेवलपमेंट होंगे। सरकार खासतौर पर अयोध्या में फोकस कर रही है ताकि टूरिज़्म के माध्यम से जो अयोध्या की पहचान है वो बढ़ती रहे, और टूरिज़्म के मामले में अयोध्या जो है अब तक का कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो है प्लेस रहा है। जब से राम मंदिर बना है तब से लाखों की संख्या में रोज़ाना लोग यहाँ पे आते हैं, करीबन 1.5 से 2 लाख लोग जो है रोज़ाना यहाँ पे विजिट करते हैं टेंपल। तो 22 जनवरी का वो दिन और उसके बाद से लेकर अब तक लगातार जो है लोगों का आना जाना शुरू है, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो, एयरपोर्ट के माध्यम से हो, सड़क के माध्यम से हो या हाईवेज की बात हो, इन तमाम माध्यमों के ज़रिए जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को यहाँ आने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या बिल्कुल बदला है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन विकसित, लगातार प्रधानमंत्री और सरकार ये दावा करती है कि भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो उस विकसित भारत की एक ही बड़ी झलक जो है वो अयोध्या भी है। जिस तरह से अयोध्या को बदला गया है, अपने आप में बड़ी तस्वीर जो है वो लगातार अयोध्या में देखने को मिल रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.